सब्सक्राइब करिए ईएमडी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आप सभी जनरेटेड सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले फोन पे के बारे में। अगर आप फोन पे पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को, या आपको लगता है कि किसी नंबर पे आपको पैसे भेजने हैं, या फिर मान लीजिए फोन पे के किसी अकाउंट के ऊपर पैसे भेजने हैं, या फिर अपने ही किसी बैंक अकाउंट के दूसरे अकाउंट पे पैसे भेजने हैं, तो पूरी तरह से आपको किसी भी अकाउंट के ऊपर ट्रांजेक्शन करना है, तो कैसे आप फोन पे एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन कर पाए, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आप सबको मिलते रहे। साथ में कोई भी क्वेरी आपकी है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फोन पे एप्लीकेशन में बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर करें। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ट्रांजेक्शन करने हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करनी है, तो फोन पे एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं मनी ट्रांसफर के, आप देख पा नीचे की साइड में। आपको सबसे पहले इसका अकाउंट बना लेना है, अगर बना हुआ है तो ये आप यूज में ले सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ है तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो दे रखा है कैसे इसको आपको जो फोन पे एप्लीकेशन वो यूज में लेनी है, चलानी है, कैसे इसका सेटअप करना है, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। तो अभी हम बात करने वाले हैं कैसे इसको ट्रांसफर करना है मनी को। अब दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन खोलेंगे तो आप यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, टू अकाउंट मिल जाएगा, टू सेल्फ मिल जाएगा, एंड बैंक बैलेंस वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर किसी को कॉन्टैक्ट नंबर पर, मान लीजिए किसी ने फोन पे एप्लीकेशन बना रखी किसी नंबर से, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखी है, तो उसी नंबर पर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, उसने आपको नंबर बता दिया है, तो यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दीजिए। टू कॉन्टैक्ट क्लिक करते हैं आपके सामने एक कॉन्टैक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आप नंबर सर्च करेंगे दोस्तों वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ऑप्शन, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जिस भी नंबर का आप सिलेक्ट करेंगे, जिस नंबर पे आप पहले से ट्रांसफर करेंगे, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा नेम दिखाया जाएगा उसका, बंदे का, उसके बाद में आपको पैसा जो भी आपको ट्रांसफर करना है किसी बंदे को वो यहाँ पे लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे कोई मैसेज डालना हो उसको मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा अपना बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी बैंक अकाउंट से आपको पैसा डिटेक्ट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं ऐड का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद में आप सेंड पे क्लिक कर दीजिए, उसको पैसा अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आसानी से यहाँ बैंक अकाउंट ऐड भी कर लीजिएगा, इस तरह से आप उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैसे बैंक ट्रांसफर करना है। यहाँ पे टू अकाउंट देख पा रहे हैं आप, टू अकाउंट पर क्लिक करिए, उसके बाद में जिस भी बंदे को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, जिसके अकाउंट करना था वहाँ पर उसका अकाउंट नंबर आपको लिख लेना है। आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, उसका अकाउंट में आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नाम वगैरह डाल के आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए पैसे, उसको फटाफट सेंड हो जाएंगे, कन्फर्म का ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टू सेल्फ में, अपने आपको ही ट्रांसफर करना है अपने ही बैंक अकाउंट के अंदर, तो टू सेल्फ आ चुका है, यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक बैलेंस चेक करने का ऑप्शन दिख रहा है, स्प्लिट बिल का ऑप्शन, रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फिलहाल भी चार ही ऑप्शन है पैसे ट्रांसफर करने के। इसके अलावा यूपीआई से भी आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो दोस्तों वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऊपर एक बार स्कैन का ऑप्शन भी ऊपर आ रहा है, आप स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया दोस्तों। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें।